अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्विफ्ट ZDI प्लस, और इसमें जो आज हम अपग्रेडेशन करने वाले हैं, जो इसका आप ग्रिल देख रहे हो, जो इसकी जो ग्रिल है, ये जो आपको ग्रिल दिखाई दे रही होगी, इसको आज हम पेंट कराने वाले हैं ब्लैक ग्लॉसी पेंट जो इस पर होगा। और जो फॉग लैम्प वाले एरिया आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक पार्ट जो भी है आगे ग्रिल के नीचे, ये वाले पार्ट इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं और इस पर हम ग्लॉसी ब्लैक पेंट कराएंगे। आज ग्रिल पे भी पेंट होगा और फॉग लैम्प वाली जो पार्ट है उस पर भी आज हम पेंट कराएंगे। तो पेंट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, हमने किस तरीके से हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो और भी हम एक दो पार्ट और हैं वो भी कराने हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बैक डोर होता है उसका जो ये हैंडल होता है, इसको भी पेंट कराने वाले हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम पेंट कराने वाले हैं। और ये जो पिलर लाइट है इसको हम इससे अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ये लाइट काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसको अब हम इसमें से हटा देंगे और ये दोनों पार्ट हम पेंट कराएंगे ग्लॉसी। अभी आप देख रहे होंगे इस पर बिल्कुल रफनेस आई हुई है, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और ये हल्का हल्का सा वाइट हो रहा है पार्ट। जब ये पेंट हो जाएगा तो उसकी एक तो इस पार्ट की लाइफ भी बढ़ जाएगी और दूसरा देखने में काफ़ी अच्छी लुक आएगी। तो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब ये पेंट हो जाते हैं तो किस तरीके से इनकी लुक आती है। तो हमें आज इस स्विफ्ट में ये वाले पार्ट, आगे फ्रंट की ग्रिल, फॉग लैम्प के कवर और बैक डोर का जो ये हैंडल है ये, और पिलर का ये वाला पार्ट हम पेंट कराते हैं। जो पेंट होने के बाद जब इसको हम इंस्टॉल कराएंगे फिर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरीके का उसका लुक आता है। ये आप देख सकते हैं कि जो स्विफ्ट के पार्ट हैं जो हमें पेंट करने हैं और जिनको अपग्रेड करना है हमें पेंट करके, वो पार्ट सारे खुल चुके हैं। जैसे कि ये स्विफ्ट की ग्रिल के नीचे वाला पार्ट है जो फॉग लैम्प पे लगा हुआ होता है, ये डोर हैंडल, बैक डोर जो होता है उसका हैंडल है ओपन करने वाला, ये उसका साइड वाले पिलर वाला है, ये फॉग लैम्प के एक ऊपर कवर है, और ये लास्ट में सबसे हमारी ग्रिल है जो बम्पर में आगे लगी होती है, वो ग्रिल है। तो ये सारे पार्ट हमें पेंट कर रहे हैं आज हम, और पेंट करके फिर मैं आपको वीडियो बना के इसी तरीके से पार्ट को पहले दिखाऊंगा, फिर इंस्टॉल करा के गाड़ी में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इनकी इंस्टॉलेशन करी है और किस और गाड़ी का ओवरलुक कैसा आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि गाड़ी में हमने जो ये पार्ट हैं किस तरीके से अपग्रेड करे हैं। ये देखिए हमारे जो ये पार्ट हैं ये पेंट होके आ चुके हैं, पूरा प्रोसेस इनकी पेंटिंग का पूरा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ग्रिल पे भी आप ग्लॉसी एक चमक देख पा रहे होंगे पेंट की तरीके की। ये हमारे डोर हैंडल हैं दोनों, ये फॉग लैम्प के बीच वाला पार्ट है, ये फॉग लैम्प के कवर हैं, ये जो रेड वाला जो पार्ट है ये हमने रेड ही रहने दिया है, इसको ब्लैक नहीं कराया है। तो ये आप देख सकते हैं एक ग्लॉसी पेंट में जो चमक होती है वो बनी हुई है सेम, और अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट हमने इस पर करा है। तो इसको अब फिटमेंट होने के बाद मैं आपको प्रॉपर गाड़ी का ओवरलुक दिखाऊंगा और किस तरीके की फिटमेंट आती है और फिट होने के बाद पार्ट कैसे लगते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए गाड़ी की जो हमने अपग्रेडेशन करी थी, इसमें जो जो पार्ट हमने इसके पेंट करे हैं और उनको अपग्रेड करके इसमें फिटमेंट करी है, तो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट्स इंस्टॉल हो चुके हैं गाड़ी में दोबारा से। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये हमारी जो फ्रंट ग्रिल है ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ग्लॉसी ब्लैक पेंट कराया है हमने, और आप इसकी क्लियरिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ देख पा रहे होंगे। देखिए जैसे ग्लॉसी पेंट में चमक होती है आप वो प्रॉपर देख पा रहे होंगे, और पहले ये कैसी थी स्क्रीन में आपको साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, पहले ग्रिल ये कैसी थी और अब का व्यू कैसे आ रहा है तो आप स्क्रीन पे भी ये देख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ फॉग लैम्प की तरफ। तो ये रेड वाला पार्ट हमारा पहले भी वह सेम ही था, तो हमने जो ब्लैक वाला पार्ट है उसी को ही ग्लॉसी पेंट कराया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस जगह। तो कैसी इसमें जो ग्लॉसी की पेंट की जो चमक होती है वही आ रही है। तो ये वाले पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं आपको इसके साइड व्यू पे लेके चलता हूँ।
जो साइड में हमने इसके पेंट कराए थे वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहले ये पार्ट किस तरीके का दिख रहा था और अब किस तरीके का दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस पर भी हमने ग्लॉसी पेंट कराया और पेंट की क्वालिटी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। मैं इसको ये आपको जूम भी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके की पेंट की क्वालिटी है। तो हमने इनको पेंट करके अपग्रेड कराया थोड़ा सा। अब इससे क्या है कि एक तो इस पर हमेशा चमक इस तरीके से बने रहेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्लास्टिक पार्ट होता है वो कपड़े लगने के बाद थोड़ा सा वाइटनेस आ जाती है और थोड़ा सा पार्ट रूखा रूखा सा और अजीब सा दिखने लगता है, क्योंकि गाड़ी आपकी पेंट जो होता है गाड़ी का जो ये पेंट होता है ये हमेशा चमकता हुआ रहता है। लेकिन जो हमारे ब्लैक पार्ट्स होते हैं, जो ट्रिम पार्ट्स होते जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे ट्रिम पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा वाइटनेस आ जाती है और ब्लैकपन उनका गायब होने लगता है। तो इसी वजह से ये मैंने पेंट कराए। तो पेंट कराने के बाद देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे अब ये इनकी जो प्लास्टिक की, इस प्लास्टिक की लाइफ भी प्रॉपर बहुत अच्छी बनी रहेगी और ये पेंट भी अच्छा रहेगा। और जितना इस पर कपड़ा लगेगा, जो माइक्रो फाइबर हम इस पर यूज़ करते हैं, वो जितना इस पर लगेगा इसकी चमक और एक्स्ट्रा बढ़ती जाएगी। तो ये अपग्रेडेशन हमने करे हैं गाड़ी में। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। और हम गाड़ियों में अपग्रेडेशन करते रहते हैं और उन्हीं वीडियो को हम अपने चैनल पर दिखाते हैं कि हमने इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन करे हैं। अब मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसी गाड़ी में हम म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करने वाले हैं, तो उस म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेडेशन में हम क्या क्या अपग्रेड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपोनेंट्स उसमें लगाते हैं या कोएक्सल लगाते हैं और एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करते हैं, वूफर हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स को प्यार देते रहें।